जल्द ही जेल से छूट जाएगा अति कांत करने वाला अरुण मौर्य। योगी करने वाले थे अरुण का इलाज, तभी एक फोन आया, अब एक कागज अरुण को बचाएगा इस हत्यारे का, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दो राज्य, दो सीएम, हजारों पुलिस कर्मी, सब हो जाएंगे बेकार, अरुण का एक ऐसा लेटर आया जिसने योगी को भी चकराया। बड़ा शातिर निकला अतीक का हत्यारा अरुण, पहले से ही बचने का कर लिया था इंतजाम, फिर किया अतीक का काम तमाम। हत्यारे अरुण की ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पुलिस की नींद उड़ाई। कहां गायब रहा अरुण 14 साल, अरुण का ये सच बन गया जी का जंजाल। जी हाँ, अतीक की मौत के बाद जिन 3 हत्यारों की बात लगातार हो रही है उसमें एक हत्यारे का नाम था अरुण मौर्य। अतीक की हत्या के मामले में जैसे ही यूपी पुलिस ने अरुण पर शिकंजा कसना शुरू किया तो एक ऐसा लेटर यूपी पुलिस के सामने आ गया जिसने न केवल पुलिस विभाग की नींद उड़ा दी बल्कि सीएम योगी भी उस लेटर को देखकर हैरान परेशान हो गए। दो राज्यों में हड़कंप मच गया, दो राज्यों के दो सीएम अरुण को लेकर रात भर सो नहीं पाए। हजारों पुलिस वाले अरुण का चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि अरुण को बचाने के लिए कागज बाहर आया है, उस कागज में कुछ ऐसा लिखा है जिसके बाद अरुण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और अतीक का हथियार अरुण छूट जाएगा। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा अरुण के बारे में जान लीजिए। नंबर 1, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी अरुण मौर्य कभी हरियाणा के पानीपत और कभी उत्तर प्रदेश के कासगंज स्थित अपने पैतृक गांव कादरबाड़ी में रहता था। मौर्य का परिवार कासगंज से है लेकिन उसके दादा पानीपत में काम करते थे। अरुण मौर्य के खिलाफ 2022 में 2 मामले दर्ज थे। नंबर 2, अरुण मौर्य को फरवरी 2022 में अवैध हथियार रखने के चलते शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया था जबकि दूसरा मामला मई में एक झगड़े को लेकर दर्ज किया गया था। नंबर 3, जानकारी मिली है कि शूटर अरुण मौर्य एक समय पर शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था। ये ग्रुप माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने खुद बनाया था। इस ग्रुप में असद अपने पिता अतीक के वीडियो डालता था जिसमें अतीक के वर्चस्व की कहानी और उसकी दहशत दिखाई जाती थी। ऐसे ही कई वीडियो फोटोज इस ग्रुप में जुड़कर अतीक के हत्यारे अरुण मौर्य ने भी देखे होंगे। हो सकता है कि अतीक जैसा खूंखार बनने के इरादे उसी इसी ग्रुप से मिले हों। हालांकि बाद में अरुण मौर्य ने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया था और गैंग 90 के नाम से दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गया था। ये सारी जानकारी एसआईटी के हाथ लग गई। नंबर 4, पुलिस की जांच में पता चला है कि अरुण ने गोलगप्पे बेचने का काम भी किया है लेकिन अब घर खाली है। नंबर 5, अरुण का संपर्क सनी सिंह नाम के एक शार्प शूटर से हुआ। सनी सिंह को सुंदर भाटी गैंग का नजदीकी बताया जाता है। सनी सिंह ने ही अरुण को अपराध की दुनिया का रास्ता दिखाया। अब बात उस कागज की जो अरुण को बचा रहा है, तो खबर यह है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की दोहरी हत्या के 3 मुख्य आरोपियों में से एक अरुण मौर्य जल्दी जेल से छूट सकता है। खबर के मुताबिक अरुण अपने परिवार के राशन कार्ड के अनुसार नाबालिग है। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा एक्सेस किए गए दस्तावेज की एक कॉपी में जानकारी मिली है कि अरुण का जन्म 1 जनवरी 2006 को हुआ था। इस हिसाब से वो 17 साल 3 महीने और 18 दिन का है। इस बात का दावा करते हुए अरुण मौर्य के चाचा सुनील मौर्य ने कहा कि उसे अपराध करने के लिए किसी ने गुमराह किया होगा। पुलिस ने रविवार को एक बयान में अरुण की उम्र 18 साल होने का दावा किया था। इससे पहले भी अरुण हरियाणा के एक मामले में नाबालिग होने के चलते छूट चुका है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि पानीपत जिले के औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 29 में आर्म्स एक्ट के तहत एक मामले में अरुण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में एक अलग जानकारी है। उस FIR में लिखा हुआ है कि अरुण का जन्म 1992 में हुआ था जिससे वो 31 साल का हो गया। अब ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। आपको बता दें, बुधवार को अरुण को 2 अन्य शूटरों के साथ प्रयागराज में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। अब देखना होगा कि नाबालिग होने के चलते क्या अरुण छूट जाता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।